हेलो बच्चों, हमारा आज का लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब देखो, कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो नेक्स्ट लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन सेकेंड नंबर क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम है इसमें इंट्रेक्शन है, इसके बेसिस पर हम कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको कैटेगराइज कर रहे हैं। और बेटा, इसके बीच में इंट्रेक्शन उसके बेसिस पे कोलाइडल सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है लायोफिलिक सॉल्यूशन या कोलाइडल सॉल्यूशन, और एक होता है लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। लायोफिलिक और लायोफोबिक, फोबिक का मतलब तो क्या होगा, हेटिंग नेचर, इसका मतलब वहां पर सॉल्वेंट हेटिंग नेचर होगी। फिलिक का मतलब क्या होता है, लविंग नेचर, इसका मतलब वहां पर सॉल्वेंट लविंग नेचर होती है। तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो कौन सा होगा, लायोफिलिक सॉल्यूशन या कोलाइडल सॉल्यूशन, लायोफिलिक सॉल्यूशन, और ये वाला लायोफिलिक सॉल्यूशन है, ये क्या होगा, लायोफिलिक। फिलिक का मतलब क्या होता है, लविंग नेचर यानी सॉल्वेंट लविंग, ये वाले होते हैं सॉल्वेंट लविंग। ये कैसे नेचर के होंगे, सॉल्वेंट लविंग, ठीक है। इसका मतलब हैव ग्रेटर एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, यानी इसकी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम है उसमें अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, यानी लविंग नेचर होती है। तो क्या लिखेंगे, हैव ग्रेटर एफिनिटी, हैव ग्रेटर एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स फेज, बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, एंड डिस्पर्सन मीडियम। यहां पर ग्रेटर एफिनिटी प्रेजेंट होती है किसके बीच में, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में। और यहां पर इसके एग्जांपल याद करने के लिए मैं एक फंडा बता रहा हूं आपको, जीपीएस, याद है ना, जीपीएस सिस्टम क्या होता है, इसके बेसिस पे बनाए, और भी होते हैं यहाँ पर, लेकिन मेनली तीन होते हैं, और इसके बारे में आज तक नीट में क्वेश्चन पूछा गया। देखो, ये तीन कौन कौन से होते हैं, जी से होता है जिलेटिन, जीपीएस क्या है, जिलेटिन, पी का मतलब होता है प्रोटीन, प्रोटीन, और एस होता है स्टार्च, एस होता है स्टार्च, जिलेटिन, प्रोटीन एंड स्टार्च, ये होते लायोफिलिक सॉल्यूशन यानी सॉल्वेंट लविंग नेचर, ये होते यानी यहां पर ग्रेटर एफिनिटी प्रेजेंट होते हैं डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम है इसके बिटवीन। क्लियर हो गया? तो याद करने का क्या तरीका बताया, जीपीएस, जीपीएस सिस्टम क्या है, जिलेटिन, प्रोटीन एंड स्टार्च। सेकेंड लिखेंगे लायोफोबिक सॉल्यूशन, लायोफोबिक क्या होगा, सॉल्वेंट है उसके साथ में हेटिंग नेचर प्रेजेंट होगी, यानी दे डू नॉट हैव एनी अपेरेंट एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। लिखेंगे लायोफोबिक सॉल, सेकेंड वन है लायोफोबिक सॉल, फिर इनमें क्या डिफरेंस होता है इनमें हम डिटेल में देखेंगे। सेकेंड वन है लायोफोबिक सॉल, बेटा इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, लायोफोबिक सॉल या सॉल्यूशन बोल देते हैं, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन भी नाम देते हैं। फोबिक मतलब किससे होता है, फोबिया हो जाना मतलब हेटिंग नेचर होना, तो यहां पर क्या होगा, सॉल्वेंट हेटिंग, इनकी सॉल्वेंट हेटिंग नेचर होती है। यहां पे क्या लिखोगे, डू नॉट हैव, डू नॉट हैव एनी अपेरेंट एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, बिटवीन
डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। यहां पर बेटा कोई ग्रेटर एफिनिटी नहीं होती किसके बीच में, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम है इसके बिटवीन, यानी एक टाइप से हीटिंग प्रॉपर्टी होती है, सॉल्वेंट हीटिंग नेचर होती है इनकी। देखो एक बात और बता देते हैं, जैसे लायोफिलिक है उसके एग्जांपल पढ़े, उनकी नेचर जनरली होती है ऑर्गेनिक नेचर होती है, जनरली ऑर्गेनिक टाइप की नेचर उनकी प्रेजेंट होती है। यहाँ पर बात करें इसके एग्जांपल, आप देखोगे कि कौन कौन से एग्जांपल होते हैं। यहाँ पर होता है गोल्ड सॉल, सिल्वर सॉल होता है, As2S3 इसका सॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इसका सॉल प्रेजेंट होगा FeOH का होल थ्राइस एसेट्रा। यानी जनरली ये कैसी नेचर के हो गए, जनरली इनऑर्गेनिक इन नेचर, जनरली इनऑर्गेनिक इन नेचर, नेचर में इनऑर्गेनिक टाइप के होते हैं। और लायोफिलिक वाले जनरली कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक टाइप के नेचर के होते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। तो बेटा हम क्या पढ़ें, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो यहां पर इसमें इंटरेक्शन उसके बेसिस पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफिलिक का मतलब क्या होगा, लविंग नेचर, यानी सॉल्वेंट लविंग नेचर होती है, और GPS इसका एग्जाम्पल है। लायोफोबिक में क्या होगा, सॉल्वेंट हीटिंग नेचर होती है, यानी यहाँ पर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम है इसके बीच में इंटरेक्शन प्रेजेंट नहीं होता, जनरली इनऑर्गेनिक टाइप के नेचर के होते हैं, गोल्ड सॉल, एजी सॉल, As2S3, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये सब, ठीक है। अब लिखेंगे इसमें डिफरेंस बता रहे हैं कि मेन क्या डिफरेंस होता है लायोफोबिक और लायोफिलिक है, इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है। लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन, डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। एक साइड में लिख लेना लायोफिलिक और दूसरी साइड में लायोफोबिक, लायोफिलिक और दूसरी साइड में लिखेंगे लायोफोबिक। लायोफोबिक देखो सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन उसका प्रिपरेशन कैसे होता है, डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स फेज है उसको मिक्स करने पर एक जो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बनता है, जहां पर कोलाइडल पार्टिकल उनकी साइज 10^4 एंगस्ट्रॉम के बिटवीन होती है, तो वहां पर कोलाइडल सॉल्यूशन उसका फॉर्मेशन होता है। वहां पर भी दो टाइप के बन रहे हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। अगर वहां पर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम उसके बीच में इंटरेक्शन प्रेजेंट है तो लायोफिलिक होगा, और इंटरेक्शन नहीं है तो क्या होगा, लायोफोबिक। इंटरेक्शन है तो बेटा मिक्स करते हैं बाय मिक्सिंग या बाय सेकिंग, इनको इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, जबकि इनको प्रिपेयर करने के लिए स्पेशल मेथड है, इनको काम में लेते हैं। तो लिखेंगे प्रिपेयर्ड जस्ट बाय सेकिंग और मिक्सिंग, दैट इज इजिली प्रिपेयर्ड सेकिंग और मिक्सिंग से। अगर उसको आपस में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम है उसको आपस में मिक्स कर दिया आपने, तभी लायोफिलिक इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, या फिर आप उसको मिक्स करके थोड़ा सा हिला दो सेकिंग से इसका इजिली फॉर्मेशन होगा। क्यों हो जाता है, क्योंकि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम है तो उसमें पहले से इंफेक्शन प्रेजेंट होता है, जबकि इसको बनाने के लिए स्पेशल मेथड है, इनको यूज में लेंगे। तो लिखेंगे प्रिपेयर्ड बाई स्पेशल मेथड, ये प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड, प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड है इसे इसको प्रिपेयर किया जाता है। सेकंड है ये वाले हाईली स्टेबल होते हैं, ये होते हैं हाईली स्टेबल। और इसकी बात करें तो ये वाले क्या होते हैं, इसमें अटैक्शन होता ही नहीं, लेस स्टेबल होते हैं, और जनरली यहाँ पे स्टेबलाइजर है उसको यूज में लेते हैं, ताकि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम है इसके बीच में इंटरेक्शन बना रहे। तो ये लिखेंगे लेस स्टेबल, जनरली स्टेबलाइजर,
स्टेबिलाइजर्स आर यूज्ड, जनरली यहां पे स्टेबिलाइजर्स है इनको यूज में लेते हैं। थर्ड बेटा ये लायोफिलिक वाले होते हैं, ये रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, यानी फॉर्मेशन भी हो जाता है और ये अलग भी हट जाते हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम वो सेपरेट भी हो जाती है, जबकि इनका फॉर्मेशन इजीली तो नहीं होता लेकिन बनने के बाद में ये क्या होते हैं हाईली बनने के बाद में ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, यानी ये वाले क्या होंगे रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, जबकि इनकी बात करें लायोफोबिक तो ये कैसे होगी इरिवर्सिबल, ये होते इरिवर्सिबल। नेक्स्ट देखो सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी की बात करें तो बेटा इसमें अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है तो इसकी विस्कोसिटी क्या होगी डिस्पर्सन, पहले विस्कोसिटी अकेला डिस्पर्सन मीडियम को देखो, यानी एक टाइप से सॉल्वेंट है उसको हम डिस्पर्सन मीडियम बोल देते हैं, इसमें आपने सॉल्यूट मिला एक टाइप से जिसको हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं डिस्पर्स फेज, मिक्स करने के बाद में पहले से अट्रैक्शन प्रेजेंट है, इसमें अट्रैक्शन ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा होने पर पार्टिकल्स में अट्रैक्शन बढ़ा तो विस्कोसिटी क्या होगी बढ़ गई, ये होता है विस्कोसिटी। क्या होता है कोई भी फ्लो करने की जो प्रॉपर्टीज होती है लिक्विड की वो होती है विस्कोसिटी। तो यहाँ पर विस्कोसिटी की बात करें तो यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम में इसकी कंपैरिजन में लायोफिलिक सॉल है या सॉल्यूशन लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन है उसकी विस्कोसिटी डिस्पर्सन मीडियम से ज़्यादा होती है, तो लिखेंगे विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ लायोफिलिक सॉल, viscosity of lyophilic salt is greater than dispersion medium, यानी ये कह सकते हैं viscosity of lyophilic solution is observed more than dispersion medium, यानी dispersion medium है उसकी comparison में लायोफिलिक सॉल्यूस की विस्कोसिटी ज्यादा होगी। बेटा क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि पहले सॉल्यूशन एक तो सॉल्वेंट है, अब उसमें आपने सॉल्यूट मिला एक टाइप से, डिस्पर्स्ड फेज इंटरक्यूज के अंदर दोनों में इंटेक्शन है, इंटेक्शन में तो अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट हो गए तो क्या होगा धीरे धीरे बहेंगे, धीरे धीरे चलेंगे तो इसकी विस्कोसिटी हाई होगी, और यहाँ पर विस्कोसिटी ऑलमोस्ट नियर बाई रहती है। यहाँ पर लिखिए विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ लायोफोबिक सॉल्यूशन is nearby of dispersion medium, dispersion medium ये nearby होती है, dispersion medium उसके nearby, surface tension और viscosity inverse है तो यहां पर लिखेंगे surface tension, surface tension of lyophilic solution is less than dispersion medium, तो viscosity तो ज्यादा होती है और surface tension कम होती है, नीचे का दिखाई दे रहा है क्या, ओके दिखाई दे रहा है, तो बेटा यहां पर सरफेस टेंशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्यूशन इज लेस देन डिस्पर्सन मीडियम, तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम है इसके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर विस्कोसिटी तो क्या होगी ज्यादा होती है किसकी लायोफिलिक सॉल की, लेकिन सरफेस टेंशन क्या होगी डिस्पर्सन मीडियम के कंपेरिजन में कम होगी क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, यहां पर नियर बाई सेम रहते हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे विस्कोसिटी ऑफ लायोफोबिक सॉल्यूशन इज नियर बाय ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, नियर बाय ऑफ डिस्पर्सन मीडियम ये नियर बाय रहते हैं, यानी विस्कोसिटी सॉरी सरफेस टेंशन की बात करें सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी दोनों ही एक जैसे ही रहते हैं, यहां पे सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ऑफ लायोफोबिक सॉल इज नियर बाई ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, यहां पर सरफेस टेंशन होती है लायोफोबिक सॉल की लगभग किसके बराबर होगी डिस्पर्सन मीडियम है इसी के इक्वल होती है, ठीक है नोट कर लो इसको। एक लास्ट पॉइंट और बता देते हैं,
मिटा दें। अब इसका कोगुलेशन करते हैं या प्रेसिपिटेशन करते हैं, कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन इसका करते हैं हम। देखो सिक्स नंबर बेटा, लायोफिलिक सॉल और लायोफोबिक सॉल में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? लायोफिलिक सॉल इज मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सॉल, दोनों में इसकी स्टेबिलिटी इसकी कंपैरिजन में हाई होती है, तो इसका इजीली प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन नहीं होगा, नॉट प्रेसिपिटेशन, नॉट प्रेसिपिटेशन और कोगुलेशन, नॉट प्रेसिपिटेशन और कोगुलेशन इजीली। लायोफोबिक है, इसका प्रेसिपिटेशन और कोगुलेशन इजीली हो जाता है बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, लिखेंगे कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन, कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन टेक प्लेस इजिली बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट इसको ऐड करने का। तो बेटा ये था डिफरेंस लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन में। बेटा हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसमें आज हमने क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में प्रेजेंट इंटेक्शन के बेसिस पे। अगर वहां पर इंटेक्शन प्रेजेंट है तो उसको लायोफिलिक बोलोगे, अगर हेटिंग नेचर है सॉल्वेंट के साथ तो उसको लायोफोबिक बोलोगे। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, सोल टाइप के एग्जाम्पल आए तो वो फोबिक होता है और जीपीएस आ जाए, जिलेटिन प्रोटीन और स्टार्च यानी ऑर्गेनिक नेचर टाइप के आ जाए तो वो होता है लायोफिलिक। ठीक है, बेसिक डिफरेंस दोनों के अंदर बताए, ये वाला क्या होगा इजिली प्रिपेयर कर सकते हैं, स्टेबल होते हैं, इसको इजिली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, स्पेशल मेथड काम में लेते हैं, कौन कौन से मेथड काम में लेते हैं उसको आगे हमें डिस्कस करना है। ये वाले हाईली स्टेबल होते हैं, ये वाले लेस स्टेबल होते हैं, ये रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। यहाँ पर विस्कोसिटी है वो लायोफिलिक सॉल की ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि इंटेक्शन है, इंटेक्शन बढ़ने के साथ साथ में उनका फ्लो नेचर होता है वो स्लो हो जाता है, जबकि सरफेस टेंशन इन्वर्स होती है। इसमें दोनों ही नियर बाई रहते हैं डिस्पर्सन मीडियम के, इसका प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन इजिली नहीं होता जबकि इसका इजिली हो जाता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्यूशन। और भी बेटा इसके बारे में इसका आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि पॉजिटिवली चार्ज कौन से होते हैं, नेगेटिवली चार्ज कौन से होते हैं, इन सबको हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो जो भी बताए उसको पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।